Assalamualaikum, welcome back to my another vlog. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी कल जो है मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, तो कल मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। व्लॉग तो आज भी नहीं बन पाता, लेकिन यखनी चढ़ा रही थी अपनी बेटी के लिए जो है, तो मैंने सोचा छोटा मोटा सा एक व्लॉग बना लिया जाए क्योंकि कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। तो यहाँ मैंने साबुदानिया डाला है यहाँ पर, और जो है चिकन के पीसेस लिए हैं मैं, यहाँ पर मैंने बोन और बोनलेस दोनों, और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर कुछ काली मिर्च इसमें ऐड कर दी हैं, और उसी के साथ जो है यहाँ पर कुछ गर्म मसाला जाएगा और साबुत गरम मसाला। तो काली मिर्च के साथ साथ जो है यहाँ पर मैंने ऐड की है इसके अंदर जो है वो दालचीनी, तो यहाँ पर मैंने दालचीनी के कुछ पीसेस ले लिए थे और उसे भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और जो है यहाँ पर मैंने इसके साथ में लौंग ऐड की थी, और इतना ही बस गरम मसाला ऐड करेंगे, ज़ीरा वगैरह ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था, चाहें तो आप बग़ैर पेस्ट के भी साबुत डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी जिसे स्लाइस कट कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। साथ ही हाफ टी स्पून जो है हल्दी इसमें ना ऐड कर दी थी, और जो है इसे हम आने देंगे बॉयल। सॉल्ट अभी मैंने ऐड नहीं किया है, बॉयल आने के बाद जो है मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी थोड़ा पकाने के बाद। तो जी ये बहुत ही मुफीद कह लें या बहुत ही फ़ायदेमंद कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल यखनी बनके तैयार होती है। जब हमारे तबीयत वगैरह ख़राब होती है, बच्चे बड़े सभी को पसंद होती है, तो ये पीनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया था, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करिए। और इसमें चिकन क्यूब्स भी जाता है, बट मैंने सर चिकन क्यूब्स ऐड नहीं किया था, आप चाहें तो कर लीजिएगा क्योंकि मैं बेबी के लिए बना रही थी। साथ ही जो है मैं यहाँ पर जो है दाल बना रही हूँ जिसकी रेसिपी मैं 2 times जो है अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, और जो है उसी तरीके से यहाँ पर मैंने ना तमाम दालें ले ली हैं 5 जो मैं दालें इसमें ऐड करती हूँ। वो जिसने मेरी व्लॉग नहीं देखा होगा वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो नॉर्मल जो है यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ जिस तरीके से मेरा है तरीका। और आज जो है बरीरा फातिमा की तबीयत जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं थी, और उसकी जो है कज़न्स वगैरह भी आई हुई थी, तो सब बच्चों की फरमाइश पे जो है मैंने बनाई थी। बरीरा फातिमा को तो दाल चावल खाने नहीं थे क्योंकि उनका तो परहेज था, क्योंकि गला वगैरह बहुत ख़राब है, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने यखनी बनाई थी, और जिसे मैंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर छान लिया, और इस तरीके से हमारी यखनी तैयार हो गई है। साथ ही मैंने बनाई थी आलू की कतनियाँ जिसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने मिर्ची भी तली थी जिसका मसाला जो है मैं रेडीमेड जो है मार्केट से लेकर आई थी, और हरी मिर्चों के जो है वो दानों को जो है मैंने कट करके बाहर निकाल लिया था, और इमली के पानी में जो है मैंने ये मसाला सोक कर दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर इसमें फिल कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं हरी मिर्चें मसाला फिल्ड हरी मिर्चें जो है यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ, और जो है बहुत ही यम्मी सी ये मिर्चें भी बनती हैं। और जो मैंने बाकी मसाला रह गया था तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, फ्राई हो जाने के बाद उसमें पानी ऐड करने के बाद वो मसाला भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, जिससे और भी अच्छा जो है इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और बहुत अच्छे दाल के साथ, खिचड़ी वगैरह के साथ, दाल चावल वगैरह के साथ बहुत ही मज़े की जो है ये हरी मिर्चें बनती हैं। साथ ही जो है मैंने सादे चावल भी बना लिए थे, और यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिए, और जो है अपना भी ख़ास करके ख्याल रखिए क्योंकि आजकल मौसम चल रहा है बहुत ख़राब। तो जी इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।